देश में इस वक्त कितना काला मसला। क्या अजय देवगन ने मारी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी। 22 दिन बाद ही सिंघम अगेन के लिए ला रहे हैं बड़ा खतरा। पूरे बॉलीवुड गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों शोरों के साथ हो रही है कि अजय देवगन और उनकी सितारों की फौज दिवाली पर बड़ा धमाका करने के लिए आ रहे हैं। सिंघम अगेन के जरिए अजय देवगन 1 नवंबर को कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 से भिड़ने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। अब इस महाक्लैश को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। ऐसे में एक बात जो तय है वो ये है कि क्लैश का दोनों फिल्मों की कमाई पर अगर असर तो पड़ रहा है तो डेफिनेटली बहुत भयंकर असर पड़ रहा है। दोनों ही फिल्में बड़ी हैं और दोनों ही फिल्मों को लेकर फैंस के बीच गजब का क्रेज है। लेकिन इसी बीच खुद अजय ने सिंघम अगेन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी जिसका सीधा असर फिल्मों की कमाई पर पड़ सकता है। दरअसल अजय देवगन ने सिंघम अगेन की रिलीज से 5 दिन पहले ही अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया। इस पिक्चर का नाम है नाम। हालांकि फैंस अचानक हुए अजय की इस फिल्म की अनाउंसमेंट से खुश कम और हैरान ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि फिल्म के पहले पोस्टर के साथ साथ इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई। वहीं गौर करने वाली बात फिल्म की रिलीज डेट है जो सिंघम अगेन की रिलीज के 22 दिन बाद थिएटर्स में दस्तक दे रही है। अजय देवगन और अनीस बज्मी की फिल्म नाम 22 नवंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। अजय की इस फिल्म को अनिल रूंगटा ने प्रोड्यूस किया है। हालांकि फिल्म कहानी क्या होगी इस पर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म साल 2006 में रिलीज होनी थी लेकिन इसकी रिलीज डेट लगातार टलती रही और अब ये 18 साल बाद बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। इन 18 साल में अजय की कई फिल्में आ चुकी जिसमें 10 फिल्में तो रोहित शेट्टी के साथ ही है जिसमें साथ में इनकी 15वीं सिंघम अगेन होने वाली है। 18 सालों में आने वाली फिल्मों में जमीन, गोलमाल, फन अनलिमिटेड, संडे, गोलमाल रिटर्न्स, ऑल द बेस्ट, गोलमाल 3, सिंघम, बोल बच्चन, सिंघम रिटर्न्स, गोलमाल अगेन, दृश्यम, दृश्यम 2, औरों में कहा दम था, भोला, रनवे, मैदान शामिल है। 10 में से अजय रोहित की 2 फिल्में सुपर हिट रही, 5 फिल्में हिट रही, 1 सेमी हिट और 1 एवरेज रही। वहीं दोनों की सिर्फ एक ही फ्लॉप हुई है जो कि साल 2008 में रिलीज हुई संडे है। उसके बाद दृश्यम और दृश्यम पार्ट 2 सुपर हिट रही, भोला औरों में कहा दम था फ्लॉप रही और मैदान भी उतनी कमाई नहीं कर पाए जितनी से उम्मीदें थी। रोहित शेट्टी के साथ हिट का रिकॉर्ड अजय के पास ज्यादा तो है। ऐसे में अजय देवगन की इस फिल्म को नवंबर में रिलीज करने का फैसला उनकी सिंघम अगेन पर भारी पड़ सकता है। एक तरफ भूल भुलैया 3 पहले ही सिंघम अगेन की कमाई को कम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ऐसे में सिर्फ 22 दिन के अंदर अपनी ही दूसरी फिल्म लाकर अजय ने सिंघम अगेन के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी। कहीं अजय का ये फैसला उनकी इस साल की बड़ी फिल्म पर भारी ना पड़ जाए। आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाय टू 8828850888।